जब दिलों के ही अंदर जगे ही नहीं, रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। जब दिलों के ही अंदर जगा ही नहीं, रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में मैं इस बहुत ही खूबसूरत से भजन का नोटेशन बता रहा हूँ। जब दिलों के ही अंदर जगह ही नहीं, तो रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। बहुत ही खूबसूरत सी बात है ये, और भजन भी ये बहुत खूबसूरत है। तो इसका मैं नोटेशन बता रहा हूँ इस वीडियो में, और इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा पार्ट टू है, जिसे मैं आपको अंतरा बताऊंगा। इसमें हमारे दो अंतरा किस प्रकार होंगे और उनको कैसे हम गाएंगे, तो वो बताऊंगा। और इस पार्ट को प्रैक्टिस करने से पहले आप पार्ट वन को प्रैक्टिस करें, तो आप शुरू के आलाप को और स्थाई को अच्छे से बजा लेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। हमारे भजन का सा जो है वो ये है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। जब दिलों के ही अंदर जगह ही नहीं, रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा, यहीं पे हमारा पार्ट वन खत्म होता था, सॉरी खत्म हुआ था। अब उसके बाद में हमारा अंतरा जो है किस प्रकार आएगा, आइए वो देखते हैं। तुमने भारी तपस्या करी सूर्य के, उनके वरदान से जन्म मेरा हुआ। ये हमारे अंतरा की फर्स्ट लाइन है। ये बात कर्ण जो है माता कुंती से कह रहा है, तुमने भारी तपस्या करी सूर्य की, उनके वरदान से जन्म मेरा हुआ। आइए देखते हैं इसका सरगम क्या होगा। तुमने भारी नीनी नीनी, तुमने भारी, इन दोनों वर्ड में हमारा चार बार कोमल नी का प्रयोग होगा। तुमने भारी नीनी नीनी तपस्या तपस्या, नीनी धापा तपस्या, नीनी धापा करी सूर्य की, करी पधनी सूर्य की, नीनी नी करी पधनी सूर्य की, नीनी नी उनके उनके धाधा वरदान 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 से धापा पामा मगा वरदान से धापा पामा मगा जन्म जन्म मामा जन्म मामा मेरा मेरा मामा मगा हुआ गगा मेरा मामा मगा हुआ गगा। और ये लाइन हमारी दो बार आएगी। तुमने भारी तपस्या करी सूर्य के, उनके वरदान से जन्म मेरा हुआ। और इसके बाद एक भी बूंद बैकी पिलाई नहीं, जन्मदाता कहने से क्या फायदा। बहुत ही बढ़िया भजन है, मुझे तो गाने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक गारे भी गमा, एक भी गारे गमा बूंद मामा बै की बै की बै की मगा मधा पिलाई धा धा पापा मा पिलाई
कुंती से कह रहा है। ये हमारा फर्स्ट अंतरा था, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड अंतरा किस प्रकार आएगा, आइए वो भी देखते हैं। उस स्वयंवर में अपमान मेरा हुआ, सूर्य का पुत्र कहकर निकाला गया। सूद का पुत्र कहकर निकाला गया। उस स्वयंवर में धनी ने उस स्वयंवर में धनी ने अपमान धनी धपापा मेरा हुआ धनी ने मेरा हुआ धनी ने सूद का पुत्र कह कर सूद का धाधा धबा पुत्र पमामा कह कर मगा ममा कह कर मगा मामा कह कर मगा मामा निकाला गया। उस स्वयंवर में अपमान मेरा हुआ, सूद का पुत्र कह कर निकाला गया। और उसके बाद बाहया वाली ने जब मना कर दिया, फिर निशाना लगाने से क्या फायदा। बाहया मतलब जिसका ब्याह हो रहा था द्रौपदी को, वहां पे बाहया कहा जा रहा है। बाहया वाली ने जब मना कर दिया तो निशाना लगाने से क्या फायदा। बाहया वाली ने मगा जब मधा मना कर पमा दिया पापा गा बाहया वाली ने गर गमा ममा मगा जब मधा मना कर दिया धपा पमा पापा गा फिर निशाना धा निशाना धा पमा लगाने से मगा क्या फायदा
और उसके बाद फिर हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी, जब दिलों के ही अंदर जगेंगे नहीं रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। ये बात भी कर्ण माता कुंती से कह रहा है, जब दिलों के अंदर ही जगह नहीं तो रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा। ये हमारे दो अंतरा हो गए, ठीक है, और शुरू में स्थाई और आलाप मैंने जो बताया, इसके बाद एक अंतरा और आएगा वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार होगा, उसके सरगम को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब दो अंतरा बजा लेंगे तो आप तीसरा अंतरा आंख बंद करके बजा लेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बजाएं, खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से तैयारी करें ताकि आप अच्छा कर सकें। और किसी भी गाने का आप नोटेशन बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसका लिंक भेजें और नोटेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ आप कहीं अब सीख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।